आज हमारे साथ आर्य क्लासेस की छात्रा श्रीमती सुगीता ढिलन है, जिन्होंने स्कूल व्याख्यात इतिहास संवर्ग में संपूर्ण राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त करके एक इतिहास रचा है। किन किन पुस्तकों को आपने आधार बनाकर अपनी तैयारी को प्रारंभ किया और क्या रणनीति रही कि किस पार्ट को कितना टाइम दिया जाए? आधार बुक की अपन बात करें तो मैंने इंडियन हिस्ट्री के लिए आर्य कॉम्पिटिशन की भारतीय इतिहास बुक को आधार बुक बनाया, और रेफरेंस बुक के लिए मैंने इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन भारत के लिए झांसी माली, और मिडेवल के लिए मैंने एससी वर्मा, आधुनिक भारत के लिए मैंने रामलखन शुक्ल उर्विन चंद्र की बुक को रेफरेंस बुक के रूप में काम में लिया, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने अरविंद जी भास्कर जी की पुस्तक को आधार बुक बनाया। जैन और माथुर की जो वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है उसको मैंने रेफरेंस बुक के रूप में पढ़ा। इसके अलावा मैंने यूथ और अरियंत की पुस्तकों को पढ़ा। उन पुस्तकों में यूपीएससी, आरपीएससी, यूजीसी, नेट के क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने अच्छे से सोल्व किया, और मैंने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आर्य कॉम्पिटिशन की जो पुस्तक है भारतीय इतिहास उसी से हैं, तो इससे मेरा और भी उस पुस्तक के प्रति विश्वास बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुगीता जी, और मैं आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ, आप नित नई ऊंचाइयों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहाँ बेल आइकन शो हो रही है उसको क्लिक करें और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको भेजे जा सके। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें और शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि रोज़ाना नई अपडेट मिल सकें।